मेवात के पोनहाना से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पोनहाना पंजाबी बारात घर में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा द्वारा योग शिविर का आयोजन किया गया। योग शिविर का आयोजन भाजपा महिला मोर्चा जिला महामंत्री संगीता की अध्यक्षता में सोशल डिस्टेंसिंग को मद्देनजर रखते हुए किया गया, जिसमें काफ़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया, जिसमें योग शिक्षक सुंदर सिंह व मंडल अध्यक्ष सुनीता ने योग के विभिन्न आसन कराना शिविर में शामिल महिलाओं को सिखाया। उन्होंने अनेकों योगासन कराया, साथ ही उन्होंने कहा कि होने वाले फायदों के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि रोजाना योग करने हेतु शिविर में उपस्थित महिलाओं को प्रेरित किया। आपको बता दें कि महिला मोर्चा जिला महामंत्री संगीता ने बताया कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2021 को जिले के प्रत्येक मंडल पर 2 योग शिविर करने के एक एक पदाधिकारी को जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जिसे जिले के भाजपा पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाया गया। उन्होंने कहा कि योग के माध्यम से जहां शरीर स्वस्थ रहता है, तो वहीं योग से सकारात्मक ऊर्जा भी हमें मिलती है, इसलिए योग को अपने जीवन का अंग बनाना चाहिए। आप देख रहे हैं पुनहाना से राजीव प्रजापति की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम संगीता है, मैं महिला मोर्चा से महामंत्री के पद पर नियुक्त हूँ। ये योगा दिवस मनाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, और काफ़ी संख्या में लोग आए भी हैं। हम देख रहे हैं यहाँ पे बहुत अच्छा है, काम भी बहुत अच्छा चल रहा है हमारी पार्टी की तरफ से। यहाँ पे कार्यकर्ता भी सभी बहुत मेहनत कर रहे हैं, और योगा का यही है कि आप जितना करते हो आपकी फिटनेस बनी रहती है, ठीक है, आप शारीरिक जो रोग हैं उनसे दूर रहते हो, ठीक है, और सबसे बड़ी बात होती है कि आपका जो वर्किंग जो काम होता है, ठीक है, उसे आप अच्छी तरह से कर सकते हो, आप फिट रहते हो और रोगों से दूर रहते हो। उनके माध्यम से हमारे यहाँ सुनीता जी हैं जो हमारी मंडल अध्यक्ष भी हैं महिला मोर्चा से, और यही यहाँ पे योगा ये हैं, और इनके हस्बैंड हैं जो साथ में आए हैं यहाँ पे योगा की क्लास देने हमें, और ये संदेश भी दिया है इन्होंने कि आप अगर इस तरह से काम करोगे, इस तरह से वर्कआउट करोगे, तो आप फिट रहोगे। एक्चुअल में ऑलरेडी शिविर का काम यहाँ चला हुआ है, ये सुबह 5 से 6:15 बजे तक क्लासेस देते हैं, तो इन्हीं के माध्यम से हम यहाँ आज ये कार्यक्रम संयोजित। सुनीता, हाँ जी, बताओगे आज? इससे हर बीमारी में फायदे होते हैं, शुगर, थायराइड, जितना भी मोटापा हो वो घटाने के लिए भी, ज़्यादातर बीमारियों के लिए है। अगर इसे हम रेगुलर करें तो 100% फायदे मिलते हैं। उसके लिए कपालभाति अगर कर सके तो शुरू में तो 5 मिनट, अगर जो कोई कर सके तो आधा घंटा रेगुलर करे तो उसको 15 दिन में फ़ायदा दिखने लगेगा। फायदे ये हैं कि एक तो कपाल और ये ताड़ासन, सिंगदहाड़, इनसे हम इन रोगों से बच सकते हैं। और सुबह उठ के दिन में कम से कम 5 बार गर्म पानी पिए, और 1-1 किलो सुबह का टाइम, हाँ जी, सुबह खाली पेट, शुद्ध हवा मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है, सुबह अगर करें तो वो बहुत फ़ायदेमंद होता है। रोज़ाना ही लगाते हैं ये, सुबह 5 बजे से 6:15 बजे तक, जिस संख्या में ऐसा कभी तो 10 हो जाते हैं, 15 हो जाते हैं, कभी कोई आता है नहीं आता, कभी हम दो ही रह जाते हैं। मैं कमल प्रकाश सैनी, जिला उपाध्यक्ष की जिम्मेवारी है, आज योग दिवस का मैं संयोजक हूँ पूरे ज़िले का। हमारे ज़िले में 9 मंडल हैं, सारे 9 मंडलों में आज ये प्रोग्राम हो रहा है। पूरी संख्या है, बड़े उत्साह है, लोग बड़े उत्साह के साथ इस प्रोग्राम को मना रहे हैं। ये माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस प्रोग्राम को शुरुआत किया था 2015 में, जो UNA में उन्होंने ये बात रखी थी। 97 देशों ने हमारे इसका समर्थन किया था। आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी योग दिवस के रूप में इसे मना रहे हैं, तो पूरे ज़िले में भी, पूरे 9 मंडलों में, हर मंडल में 6 जगह प्रोग्राम हैं, सब जगह पूर्ण रूप से कार्य हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी जो है वो यही है।